फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टिर्की फिटर ऑल इसरो एग्जाम बैच की टेट सीरीज सेकंड को सोल्व आउट करेंगे। फ्रेंड, ये टेट सीरीज इसरो के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेट सीरीज है। अभी तक हमने पहली टेट सीरीज को सोल्व आउट कर चुके हैं। तो फ्रेंड, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। फ्रेंड, टेट सीरीज सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक गियर चक्र में 36 दांत और 3 mm मॉड्यूल होते हैं, उसकी पिच व्यास होते हैं। एक गियर व्हील बेस 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, इट पिच डायमीटर इज। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो महेंद्रगिरी टेक्नीशियन बी फिटर 10/12/2016 में पूछा गया था। तो ऑप्शन है इसके 12 mm, 75 mm, 80 mm, 108 mm। तो फ्रेंड, कैसे इसको सोल्व आउट करना है चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, मॉड्यूल कितना दिया गया है हमको, 3 mm, और दांत कितने दिए हैं, गियर के दांत है 36। ठीक है फ्रेंड, मॉड्यूल बराबर क्या होता है, मॉड्यूल बराबर होता है गियर का पिच डायमीटर अपॉन दांतों की संख्या, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, मॉड्यूल बराबर होता है ये। अब मॉड्यूल बराबर इस फॉर्म को हमने ऐसे लिखा, गियर का पिच डायमीटर बटे दांतों की संख्या। ठीक है, ये जो सूत्र लिखा हुआ है हमने इस रूप में लिखा इसके। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें गियर का पिच डायमीटर ज्ञात करना है। तो बटे की जो चीज होती है वह बराबर से उधर ले जाने पर गुना में जाती है। फ्रेंड, किस चीज में जाती है, गुना में। तो फ्रेंड क्या हो जाएगा, पिच डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड्यूल इंटू दांतों की संख्या। देखिए, गियर का पिच डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा, मॉड्यूल इंटू दांतों की संख्या। तो 3 × 36 कर देंगे, 108 आ जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 108 mm राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तन औजार के गति द्वारा कार्य पृष्ठ पर प्रतिरूप के कारण को कहा जाता है, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। ऑप्शन है वेबिनेस, रफनेस, सरफेस टेक्सचर। अगला है ले। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो महेंद्रगिरी टेक्नीशियन बी फिटर 10/12/2016 में पूछा गया था। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरफेस टेक्सचर। ठीक है, देखिए कटिंग टूल के मोमेंट को क्या कहा जाता है, सरफेस टेक्सचर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिटो की ISI प्रणाली में बड़ा अक्षर किसको सूचित करता है, इन ISI सिस्टम ऑफ फिट कैपिटल लेटर इंडिकेट्स। ऑप्शन है होल, होल और शाफ्ट, शाफ्ट इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपका इसरो त्रिवेंद्रपुरम 21/2/2015 टेक्नीशियन भी फिटर में पूछा गया था। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बड़ा जो अक्षर होता है वो होल के लिए प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, होल को दर्शाने के लिए कैपिटल अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए फिट की ISI प्रणाली में जो छोटा अक्षर होता है फ्रेंड, ये शाफ्ट को सूचित करता है। ठीक है, शाफ्ट को दर्शाने के लिए छोटा अक्षर, और वह अक्षर कौन सा होता है, स्मॉल एच। ठीक है, और होल को किसके द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल एच के द्वारा। क्लियर हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किसके लिए मृदुकरण किया जाता है, टेम्परिंग इज डन फॉर। ऑप्शन है फ्रेंड, कठोरता बढ़ाना यानी इंक्रीजिंग द हार्डनेस, सामर्थ्य में सुधार यानी इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ, प्रतिबल में मुक्त करना यानी रिलीविंग द स्ट्रेस,
मशीन एंड सुकृता बनाना, यानी टू इंक्रीज द मशीनिबिलिटी। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका त्रिवेंद्रपुरम वी, फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी 21/2/2015 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ। ठीक है, टेम्परिंग का क्या उद्देश्य होता है, टफनेस बढ़ाना यानी सामर्थ्य में सुधार करना। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मर्दू इस्पात का विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील। ठीक है, ऑप्शन है 5, 2.7, 7.8 और 1। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 25/9/2016 में पूछा गया था टेक्नीशियन बी फिटर में। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7.8। ठीक है, माइल्ड स्टील का जो घनत्व होता है 7.8 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस प्रकार की खराद मशीन का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है, विच टाइप ऑफ लेथ इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन वर्क। ऑप्शन है सेंटर लेथ, बेंच लेथ, टूल रूम लेथ, कैपिस्टन लेथ एंड टैडिट लेथ। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो टेक्नीशियन बी फिटर टर्नर 2016 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, किस प्रकार की खराद यानी लेथ मशीन का प्रयोग उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में किया जाता है। तो फ्रेंड वो हो जाता है कैपिस्टन लेथ एंड टैडिट लेथ। कैपिस्टन लेथ और टैडिट लेथ का प्रयोग मास प्रोडक्शन कार्य में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए छोटे छोटे साइज के जॉब बनाने के लिए किस लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड वो हो जाता है बेंच लेथ। क्लियर, नेक्स्ट है कौन सी लेथ मशीन का प्रयोग टूल रूम में किया जाता है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाता है बेंच लेथ। क्या हो जाता है, बेंच लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, लेथ मशीन का पूरा नाम क्या है, तो लेथ मशीन का पूरा नाम क्या हो जाता है, सरफेस स्लाइडिंग स्क्रू कटिंग लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किस लेथ मशीन का अधिकतर प्रयोग साधारण कार्यों के लिए करते हैं, सरफेस स्लाइडिंग स्क्रू कटिंग लेथ हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, जब मेल पार्ट तप्त स्थिति में होता है तब फीमेल पार्ट को लगाने वाले फिट के प्रकार को कहते हैं, द टाइप ऑफ फिट इन विच द फीमेल पार्ट इज फिट व्हेन मेल पार्ट इज इन हॉट कंडीशन इज कॉल्ड। फ्रेंड देखिए ऑप्शन है हमारे पास फोर्स फिट, रनिंग फिट, रिंगिंग फिट, रनिंग फिट, श्रिंकेज फिट। यह क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम 22/12/2012 में पूछा गया था टेक्नीशियन बी फिटर में। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहा गया है कि फीमेल पार्ट इज फिट व्हेन, जब फीमेल पार्ट को फिट करते हैं तो मेल पार्ट इज इन हॉट कंडीशन, यानी मेल पार्ट क्या होता है, गर्म अवस्था में होता है। तो किस प्रकार की फिट में होता है ये, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रिंकेज फिट। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वातिल ड्रिल को किसके द्वारा प्रचालित किया जाता है, वातिल ड्रिल यानी न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय। ऑप्शन है फ्रेंड विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक पावर, संपीड़ित वायु यानी कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, बाहुबल यानी मस्कुलर पावर, दौर चालित शक्ति यानी हाइड्रोलिक एनर्जी। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु 20/11/2016 यानी टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो न्यूमेटिक ड्रिल होते हैं उसको किसके द्वारा ऑपरेट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मशीन अनुरक्षण नियमावली में मशीन को चिकना लगाने की निरंतरता के संबंध में वर्ग लगाने की निरंतरता के संबंध में वर्ग चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व है, इन्हें मशीन मेंटेनेंस मैनुअल रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लुब्रिकेटिंग द मशीन स्क्वायर सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें बात की जा रही है कि जो स्क्वायर सिंबल होता है वह किसको दर्शाता है मेंटेनेंस में, ठीक है, लुब्रिकेंट के संबंध में वह किसको दर्शाता है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो फ्रेंड ऑप्शन है हमारे
रोज चिकना यानी डेली लुब्रिकेंट, वीकली लुब्रिकेंट, मंथली लुब्रिकेंट, ईयरली लुब्रिकेंट। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु 20/11/2016 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मासिक चिकना यानी मंथली लुब्रिकेंट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, डेली लुब्रिकेंट का क्या अर्थ हो जाता है? ये जो सिंबल है तो ये दर्शाता है डेली लुब्रिकेंट को, और ये जो सिंबल है आपका ये दर्शाता है वीक लुब्रिकेंट। ठीक है फ्रेंड। और ये जो सिंबल है आपका ये दर्शाता है अतिरिक्त लुब्रिकेंट, अतिरिक्त समय के लिए। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ठोस स्नेहक यानी आइडेंटिफाई ए सॉलिड लुब्रिकेंट। ऑप्शन है कैल्शियम डाइसल्फेट, मोलिब्डेनम डाइसल्फेट, पोटेशियम डाइसल्फेट, सोडियम डाइसल्फेट। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु 20/11/2016 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलिब्लेडम डाइसल्फेट यानी मोलिब्लेडम डाइसल्फाइड। ठीक है। सॉलिड लुब्रिकेंट यानी ठोस लुब्रिकेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोलिब्लेडम डाइसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा लोह अयस्क नहीं है? Which of the following is not an iron ore? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिमेटाइट, कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम टेक्नीशियन बी फिटर 10/12/2017 में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसमें से हमें बताना है कि कौन सा लोह अयस्क नहीं है। तो हेमेटाइट भी लोहे का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी लोहे का अयस्क है, सिमेटाइट भी लोहे का अयस्क है, कार्बोनेट लोहे का अयस्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? डबल कट फाइल में ओवर कट दांते एवं अप कट दांते का जो कोण होता है? द ओवर कट टीथ एंगल एंड अप कट टीथ एंगल इन ए डबल कट फाइल। और ऑप्शन है 30 डिग्री से 60 डिग्री, 70 डिग्री एंड 51 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 51 डिग्री एंड 70 डिग्री। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी टेक्नीशियन बी फिटर 10/12/2017 में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 डिग्री और 70 डिग्री। फ्रेंड देखिए फाइल के जो कट होते हैं, फाइल पर जो कट होते हैं वो प्रथम कट, और देखिए फाइल का जो प्रथम कट होता है वह होता है ओवर कट। ठीक है। कौन सा होता है? ओवर कट। और जो द्वितीय कट होता है वह होता है अप कट। ठीक है। ओवर कट का जो एंगल होता है वह होता है 51 डिग्री से। ठीक है। 51 से 60 डिग्री। और जो द्वितीय कट होता है फ्रेंड यानी अप कट होता है तो वह होता है, उसका एंगल होता है 70 डिग्री। कितना होता है? 70 डिग्री। तो ओवर कट की बात की गई है तो ओवर कट यानी 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है। 51 हमारे कौन से ऑप्शन में है? तो डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 डिग्री ओवर कट है और द्वितीय कट यानी अप कट जो होगा वो 70 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से वह छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ को वर्गन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द क्रॉस सेक्शन। फ्रेंड यह बताना है हमको कि कोने पर पदार्थ को हटाने के लिए तो कौन सी चीजें यूज होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास फ्लैट चीजल, वेब चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल। तो फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो वीएसएससी 2/6/2019 त्रिवेंद्रपुरम टेक्नीशियन भी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। डायमंड पॉइंट सीजर क्योंकि वी आकार का शेप होता है, वी आकार का जो कटिंग एज होता है। ठीक है। इसलिए कोने को साफ करने के लिए, कोने से जो एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट सीजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक हस्त टेप के सैंक में तीन वलय अंकित हैं, वह एक है। बताना है हमको द सैंक ऑफ ए हैंड टेप हैज थ्री रिंग मार्क्ड ऑन देन इट इज ए। ऑप्शन है हमारे पास
फर्स्ट टेप, बॉटमिंग टेप, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम 2/6/2019 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड यह बताना है हमको कि जो हैंड टेप होते हैं उनमें से किस टेप पर तीन वले यानी तीन रिंग होते हैं। तो फ्रेंड यह हो जाता है आपका बॉटमिंग टेप। बॉटमिंग टेप पर तीन वले होते हैं, ठीक है। और जो बात बात करें टेपर टेप की, तो टेपर टेप पर एक रिंग होता है और इंटरमीडिएट टेप पर दो रिंग होते हैं फ्रेंड, ठीक है, दो रिंग होते हैं। और बॉटमिंग टेप पर यानी फिनिश टेप पर तीन वले होते हैं, तीन छल्ले होते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, टेपर पेन रिमर में टेपर है, द टेपर इन ए टेपर पेन रिमर इज। ऑप्शन है हमारे पास 20 में एक, 50 में एक, 75 में एक और 100 में एक। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC तिरुवनंतपुरम 2/6/2019 टेक्नीशियन बी फिटर में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए टेपर पिन की बात की गई है, टेपर पिन कहो या पिन टेपर कहो तो बात एक ही है। तो पिन टेपर यानी 1:50 यानी 50 में एक, जो अनुपात होता है 1:50 होता है यानी 50 में एक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए टेपर की होता है, यदि टेपर की आता है यहां पर तो टेपर की का जो अनुपात होता है वह होता है 1:100, लेकिन पिन यूज आ गया, इसमें पिन आ गया तो पिन आने से 1:50 यानी 50 में एक। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, उपस्कर का नाम बताएं जिसके द्वारा भारी लोड को उठाने और खिसकाने के लिए उत्तोलन प्रभाव द्वारा किया जाता है। नेम द टूल विच यूज्ड टू फिट विच यूज टू लिफ्ट और मूव हैवी लोड बाई लिवरेज अफेक्ट। ऑप्शन है हमारे पास होस्टिंग टूल, क्रोबार, फोर्कलिफ्ट, ब्रोचिंग टूल। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो बेंगलुरु टेक्नीशियन बी फिटर 20/11/2016 में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्कलिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्कलिफ्ट का मतलब होता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यानी भारी लोड को उठाने के लिए और खिसकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फोर्क लिफ्ट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक बढ़ई के वाइज में उपयुक्त पेंच है, यानी द थ्रेड इज यूज इन ए कारपेंटर वाइज। कारपेंटर वाइज में जो थ्रेड होती है वह कौन सी होती है बताना है हमको। ऑप्शन है स्क्वायर थ्रेड, शार्ट टूथ थ्रेड, ओजीएल थ्रेड, ट्रेपेजियल थ्रेड, ठीक है, यानी संलग्न पेच, और वी थ्रेड। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम टेक्नीशियन बी फिटर 25/9/2016 में पूछा गया है। तो फ्रेंड जो कारपेंटर वाइज होती है उसमें कौन सी थ्रेड होती है, उसमें होती है शार्ट टूथ थ्रेड। यानी देखिए फ्रेंड जो शार्ट टूथ थ्रेड होती है इसके तीन नाम होते हैं, एक तो यही है, दूसरा होता है ब्रिज लॉक थ्रेड, ठीक है, ब्रिज लॉक थ्रेड। कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट सीरीज में, इसरो की जो पहली सीरीज है, कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बटरस थ्रेड होती है उसके तीन नाम होते हैं, एक तो शार्ट टूथ थ्रेड हो गया, एक बटरस थ्रेड, ठीक है, और तीसरा होता है आपका ब्रिज लॉक थ्रेड, ठीक है, तीन नाम हो गए, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड, बहुत बड़ी त्रिज्या का निर्माण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, इज यूज्ड फॉर मार्किंग वेरी लार्ज रेडियस। लार्ज रेडियस, ठीक है, ऑप्शन है डिवाइडर, कैलिपर, ट्रेमल, वर्नियर। फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इसरो VSSC त्रिवेंद्रपुरम टेक्नीशियन बी फिटर 21/2/2015 में पूछा गया है। तो फ्रेंड बहुत बड़ी त्रिज्या यानी लार्ज रेडियस, ठीक है, यानी बड़े चाप लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। फ्रेंड देखिए ट्रेमल का जो साधारणतः कितने साइज में पाए जाते हैं, तो 15 से 50 सेंटीमीटर साइज में पाए जाते हैं, ठीक है, और ट्रेमल के द्वारा कितनी दूरी तक के चाप लगाए जा सकते हैं, तो फ्रेंड ट्रेमल के द्वारा 1800 mm के चाप लगाए जा सकते हैं।
या 180 सेंटीमीटर के चाप लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विभिन्न व्यास वाले दो पाइपों को युग्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टू पाइप हैविंग डिफरेंट डायमीटर, यानी डिफरेंट डायमीटर साथियों, डिफरेंट डायमीटर यानी अलग अलग व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताना है। ऑप्शन है सॉकेट, टी कोहनी यानी एल्बो, और रेड्यूसर। रेड्यूसर। तो फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 28/8/2016 में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड्यूसर। रेड्यूसर का प्रयोग विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और जो सॉकेट होता है फ्रेंड, सॉकेट का प्रयोग एक ही व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा फेरस धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मेटल? ऑप्शन है कॉपर, एल्यूमिनियम, स्वर्ण, माइल्ड स्टील। फ्रेंड यह क्वेश्चन आपका इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी 28/8/2016 यानी फिटर टेक्नीशियन में पूछा गया है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।